कैसे? बात तो अभी भी तुम्हारी न्यून है। तुमने शब्द दिया था कि टूटा है, अब तुम टूटा है से हट करके तुड़वाया गया पर आ गए। ध्यान देना, एक बिंदु तुम्हारा नीचा हो गया, धीमा हो गया। पहले तुमने कहा था कि यह धनुष टूटा है, मैंने कहा टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। अब तुमने कहा यह तुड़वाया गया है, तो तुड़वाया गया है तभी तो तोड़ा गया है, तो टूटा कहां है? इसीलिए राजा जनक भी अपराधी। और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है बेग दिखाओ मूड़ न तो वाजू, और उल्टो मही जहां लगी तुव राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को हम पलट देंगे, उलट देंगे। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी अगर ये धनुष दिव्य था तो फिर नष्ट कैसे हुआ? क्योंकि जो दिव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है जो दिव्य होता है। उदाहरण दे रहे हो कि किसी का नाम अमर हो, अमर, और वो दूसरे दिन मर जाए। अच्छा, क्या अमर मरता नहीं है? बताओ, जो अमर होता है, कहे तो दिया कि अमर, लेकिन क्या वो मरता नहीं है? जैसे देवता है, देवता अमर है, लेकिन क्या वो मरते नहीं? हम तो तुम्हारे तथ्य से जुड़ करके अपना उत्तर कर रहे हैं। तुमने कहा कि जो दिव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है, और मैं कह रहा हूं कि नष्ट हो जाता है। दिव्य है तो क्या हुआ भाई? प्रयोग है, हमारा प्रयोग है। दिव्य भी नष्ट होता है, लेकिन उसकी स्थिति अलग होती है। दिव्य जब नष्ट होता है, दिव्य जब नष्ट होता है तो उसका स्थान भी दिव्य होता है, और जब लौकिक नष्ट होता है तो उसका स्थान भी लौकिक होता है। नष्ट तो सभी होते हैं, ऐसा कौन है जिसको नष्ट नहीं होना है? सबको नष्ट होना है, और सब नष्ट। जैसे ब्रह्मा का पांचवा मुख दिव्य है, ब्रह्मा जी भगवान है, काटा गया कि नहीं? सती जी का शरीर दिव्य था कि नहीं? नष्ट हुआ या नहीं? नष्ट हुआ। तो ये प्रमाणित नहीं होता कि दिव्य नष्ट नहीं होता है, दिव्य भी नष्ट होता है। ये प्रयोग प्रयोग की बात है ना? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है, प्रश्न नहीं होता है। यद्यपि हमने कोई प्रश्न नहीं किया था, हमने ये कहा था कि तुम भी सेवक धर्म में ही हमारा विरोध कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, इसकी आज्ञा तुम्हें किसने दी? भाई चलो, हम उत्तर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, हम अपने आप को कमजोर मान लें कि चलो हम उत्तर नहीं दे पाए, हम कमजोर हैं। लेकिन तुम हमारे विरोध में खड़े हो, तुम तो उत्तर दे हो, हमको कमजोर कह रहे हो कि परशुराम जी आप उत्तर नहीं दे पाए, चलो हम माने लेते हैं कि हम उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन तुम मेरा विरोध कर रहे हो, ये किसकी आज्ञा पर कर रहे हो? या आप भी निरुत्तर हो गए, तो तुम सीधे सीधे वो बिंदु पी गए उठा के। क्या कहा तुमने? तुमने कहा कि हमने आपका अपमान किया ही नहीं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान किया, लेकिन कब किया? जब विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, ये तो सम्मान हो गया। लेकिन सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, और बोले परसुधर ही अपमाने। अपमाने माने सम्मान।
अपमाने माने सम्मान होता है क्या? बताइए आप। बोले परशु धरे ही कैसे अपमाने, तो जब तुम अपमान करते हुए बोले तो किसकी आज्ञा से बोले? किसी ने आज्ञा दी होगी तुम्हें, किसकी आज्ञा से बोले? हमने तो सीधे कहा कि हमें शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, हम तो उत्तर कर गए थे। अब तुम भले ही ये कहो कि परशुराम जी ने प्रमाण नहीं दिया है, अरे प्रमाण होए तब तो दे, हम क्यों झूठ कहेंगे शंकर जी ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ। शंकर जी ने हमें आज्ञा नहीं दी, लेकिन मैं एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज्ञा न दी जाए और फिर भी यदि स्वामी का पोषण होता है तो क्या ये सेवक धर्म नहीं है? बात ये थी, और मैंने प्रमाण दिया था कि नंदी बाबा ने प्रजापति दक्ष का विरोध किया, शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, और यही का प्रमाण दिया। तुम मेरा विरोध कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, बोल रहे हो आज्ञा नहीं मिली तुम्हें, लेकिन फिर भी खड़े हो। सेवक धर्म आज्ञा को नहीं देखता, बल्कि अपने स्वामी के सम्मान को देखता है। एक बात, अच्छा एक सामाजिक प्रमाण ले लो, आपके पिताजी का कोई विरोध कर रहा हो तो आप पिताजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करोगे, या जो विरोध कर रहा होगा बिना आज्ञा के ही उसका विरोध करने लगोगे? आप विचार करिए, आपके पिताजी को यदि कोई अनुचित शब्द कह रहा हो तो क्या अपने पिता की आज्ञा पाकर के उसका विरोध करोगे कि पिताजी जब कहें तब हम विरोध करें? अगर मातृभूमि का कोई अपमान कर रहा है, भगवान विष्णु की कोई निंदा कर रहा है, संत की कोई अवमानना कर रहा है, भगवान शंकर को कोई गालियां दे रहा है, तो आपको आज्ञा मिले या न मिले, लेकिन आपका धर्म ये कहता है कि आप उस व्यक्ति का विरोध करें। ये नियम है, ये नियम है। अब इस अब या तो ये कहो कि नहीं नहीं ऐसा करना गलत है, आज्ञा दी जाए तभी ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं कोई सिद्धांत है तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी इस प्रकार केवल दोषारोपण करना कि आपको शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, मैं कह तो रहा हूं वहां नहीं दी, कोई प्रमाण नहीं इसका। भाई किसी ग्रंथ में प्रमाण हो, या प्रमाण किसी ग्रंथ का कहे, जब हम स्वयं यहां खड़े हैं और बिना आज्ञा के खड़े हैं तो हम ये क्यों कहें, क्यों हमें ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी? ग्रंथ से बड़ा चरित्र है, और चरित्र जब स्वयं खड़ा है, मैं तो कह रहा हूं कि आज्ञा नहीं दी शंकर जी ने, लेकिन फिर भी मैं विरोध में खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म है, और धर्म कभी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। धर्म तो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। धर्म स्वतंत्र है, धर्म किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। पितृ धर्म आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, गुरु धर्म आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, मातृ धर्म आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, राष्ट्र धर्म आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो धर्म का पालन और पोषण करता है। यही नियम है ना? एक बात, अच्छा रही बात धनुष की, तो हमने कहा कि भाई धनुष का तोड़ना ये अनुचित है, और तोड़ करके धरती पर डाल देना ये उससे भी ज्यादा अनुचित है। चलो एक बार तोड़ने में संतुष्टि हम कर भी लें, लेकिन तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया, फेंक दिया गया, ये और भी अनुचित बात है। एक बात, अच्छा एक बात और इसी में तुमने हमको जांचते हुए कही है, यद्यपि हम तुम्हें जांचेंगे नहीं, तुम हमें जांच लो, ये तुम्हारा अपना विभाग है। तुमने कहा कि परशुराम जी मध्य शब्द का विलोम क्या होता है, मध्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो भाई मध्य शब्द का कोई विलोम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है किसी ग्रंथ में, पढ़ो और पढ़ो, शब्दकोश में मध्य शब्द का विलोम अभी तक नहीं आया है। जैसे
आनंद शब्द का विलोम अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। कोई बना भले दे, बनाने को लोगों ने बना दिया जबरदस्ती, एक से एक बड़े व्याकरण के आचार्य हैं, लेकिन जो प्रमाणित वैदिक संस्कृति है उस संस्कृति में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कोई विलोम शब्द नहीं है। जैसे पुरुष शब्द का विलोम है स्त्री, लेकिन परमात्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परमात्मा का विलोम होगा जीवात्मा। परमात्मा का विलोम, मैं विलोम पूछ रहा हूं स्वरूप नहीं, परमात्मा का स्वरूप है आत्मा, ना कि परमात्मा का विलोम है आत्मा। तुम बता रहे हो परमात्मा का विलोम है आत्मा। जीव धर्म अहमित अभिमाना, विषय ये नहीं, तुम तो अच्छे, अच्छे, अच्छे महाराज हो, आपको ज्ञान मिलना चाहिए। ओ अच्छे बच्चे हो के इसी बातें कर रहे हो। परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, विलोम आत्मा नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये परमात्मा का विलोम है या परमात्मा का अंश है? अंश है, ईश्वर अंश जीव। जो अंश होता है ये स्वरूप होता है, विलोम नहीं। जैसे पिता का अंश पुत्र होता है कि पिता का विलोम पुत्र होता है। तो वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं, यानी उस परमात्मा के अंश हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश हुआ या विलोम हुआ? इसलिए नहीं है। आनंद शब्द का विलोम नहीं है, परमात्मा शब्द का विलोम नहीं है, भगवान शब्द का विलोम नहीं है, ब्रह्म शब्द का विलोम नहीं है, ईश्वर शब्द का विलोम नहीं है। ऐसे कई शब्द हैं जिनके विलोम नहीं है, लेकिन अब बलात् अगर कोई बना दे तो ये उसको साधुवाद है ना, लेकिन वास्तविकता ये है कि नहीं है। चलिए, मैं अपने आप को, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपके पास शब्दकोश बहुत है, लेकिन मध्य का विलोम इनके पास भी नहीं है। शब्दकोश होने के बाद भी प्रश्न का उत्तर नहीं है इनके पास। थोड़ा तो विचार करना चाहिए, थोड़ा तो शोध करना चाहिए, थोड़ी तो खोज करनी चाहिए। चलिए महाराज, ये विषय है, बड़ा ही सुंदर विषय रखा गया है, आइए उस पर पुनः चिंतन करते हैं। आपने कहा लक्ष्मण धनुष टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। तुमने विषय एक दिया था कि ये तोड़ा नहीं गया है, तोड़वाया गया है। और अगर राजा जनक इसे तोड़वाते नहीं तो धनुष तोड़ने वाले को तोड़ने की भी कोई आवश्यकता न पड़ती। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेही तोरा। ये राजा जनक ने प्रण किया था और राजा जनक की प्रण के अनुसार ही कार्य हुआ है। तो पहले महत्वपूर्ण है प्रण। राजा जनक ने यहां तक ये कह दिया कि सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहे का करूं। हम प्रण का परित्याग नहीं कर सकते। आपने एक इसमें विषय और दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, स्वयं वो मर जाए, तो ये विषय अलग है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की हत्या कोई कर दे तो न्याय दर्शन ये कहता है कि वो अपराधी है। अगर किसी की कोई हत्या कर दे तो ये न्याय दर्शन कहता है वो अपराधी है। एक कथा मुझे स्मरण आ रही है। एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया और आदेश क्या दिया कि बेटे जाओ अपनी माँ का शीश काट दो। माने पिताजी पुत्र को आदेश दे रहे हैं कि जाओ जाकर के अपनी मां की हत्या करो। और पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी मां का ही शीश काट दिया, लेकिन पुत्र को दोष नहीं लगा। हमें याद नहीं आ रहा है पुत्र का नाम, जब स्मरण आ जाएगा तो बताएंगे जरूर। तो पुत्र ने
पिता के आदेश का पालन करने के लिए माँ की हत्या कर दी, लेकिन पुत्र को अपराधी नहीं माना गया, क्यों? इसमें मंत्र है, सूत्र है, माता पिता प्रभु और गुरु, इनके आदेश पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, और जो विचार करते हैं वो भले अपराधी माने जाएं, लेकिन जो विचार नहीं करते हैं वो कभी अपराधी नहीं माने जाते हैं। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी, शुभ जान करके कर देना चाहिए। तो महाराज, उस पुत्र ने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए माँ की हत्या कर दी, कोई दोष नहीं लगा। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए धनुष तोड़ दिया, कोई दोष नहीं लगा। तो फिर आप क्यों उसे दोषी मानते हैं? ये प्रश्न ज्यों का त्यों जीवित है, उसका भी कोई दोष नहीं है। अब आप कहते हैं कि उसने धनुष का खंडन तो किया ही है, साथ में मही पर भी डाल दिया, पृथ्वी पर डाल दिया, इसमें धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथिला में हुआ है यज्ञ, और जिस भूमि में यज्ञ संपन्न होता है वहां की संपूर्ण धरती पवित्र मानी जाती है, तो यहाँ की भूमि पवित्र है, तो अगर पवित्र भूमि में इसको रख दिया गया तो भैया का अपमान आएगा। अब सोचो, राजा यदि जीवित है तो उसे सिंहासन में बैठाला जाता है, और जब उसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो क्या फिरौ सिंहासन बैठाला जाता है का? फिर तो वही वही महाराज, वही स्थान है, तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। ये स्थान है, स्थान परिवर्तित होते हैं, तो ये विषय महत्वपूर्ण नहीं। चलिए महाराज, अब महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आप कहते हैं कि लक्ष्मण ये धनुष दिव्य था, और दिव्य भी नष्ट होता है। महाराज, नष्ट यदि होता है तो मैं ये आपकी बात मानता हूं कि ये धनुष दिव्य था, लेकिन अब आप भी हमारी बात मान लो, ये धनुष दिव्य था लेकिन इसको तोड़ने वाला दिव्यतम है, ये हमारी बात मान लो। मैं यहीं रुकता हूं। चलो, बड़ी जल्दी रुक गए, इसके लिए साधुवाद है। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है, अपराधी है। बात चल रही थी कि बिना आज्ञा के सेवा धर्म भी प्रमाणित है, ये बात छूट गई। अब तुमने विषय को बदलते हुए हमारा प्रमाण दिया और ये कहा कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिने ही विचार करिए शुभ जानी। माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा बिना विचार करके करनी चाहिए, और जब व्यक्ति इनकी आज्ञा का पालन करता है तो पालन करना बिना विचार करके कोई दोष नहीं लगता है। परशुराम जी उसे दोषी क्यों कह रहे हैं? देखिए, गुरु की आज्ञा का अनुपालन करना ये उचित है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, और प्रमाण भी तुमने दिया है कि पिताजी ने कहा कि माता का सिर काट दो, तो मैंने अपनी माता का सिर काट दिया। अब एक अंतर है, अंतर क्या है? माता का सिर परशुराम ने काटा, कब काटा? जब पिता ने परशुराम को आज्ञा दी कि जाओ माता का सिर काट दो, तो परशुराम ने काट दिया। ठीक, अब जरा विचार करना, आप लोग सुधी श्रोता बैठे हैं, चिंतन करना। माता पर पिता का अधिकार होता है पुत्र के लिए, और अगर पति पत्नी की दृष्टि में देखें तब भी पत्नी पर पति का अधिकार होता है। हमारी माता पर अधिकार किसका है? हमारे पिता का। ध्यान देना, हमारी माता पर अधिकार किसका है? हमारे पिता का। माने पत्नी पर पति का अधिकार होता है, तो पति ने आज्ञा दी कि पत्नी को समाप्त कर दो, यानी पिता ने आज्ञा दी कि माता को मार दो, परशुराम ने मार दिया,
बात समझ में आती है, यहाँ पर अधिकार है, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाले के गुरु का अधिकार इस धनुष पर था जैसा मेरे पिता का अधिकार मेरी माता पर था? हमारे पिता का अधिकार हमारी माता पर था, पिता ने आज्ञा दी, मैंने वध कर दिया, लेकिन क्या गुरुजी का अधिकार इस धनुष पर था जो आज्ञा दी गई और तोड़ दिया गया? धनुष शंकर जी का है और आज्ञा दे रहे हैं धनुष तोड़ने वाले के गुरुजी। अब आप सोचिए। बोल दो नहीं, बड़ा ठंडा है। मंच के माध्यम से भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य में संवाद की प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं। आप हैं हमारे ग्राम भेड़ी निवासी होरीलाल जी दस्तोगी, आपकी ओर से ये 21 पत्र मुद्राएं मंच पर मंचासीन दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई हैं। आप हैं हमारे भेड़ी निवासी ग्यासी नाई, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं मौजीलाल वर्मा जी, हमारे भेड़ी के ही निवासी हैं, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राएं। मुन्नी कहार जी हमारे भेड़ी निवासी हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं। हमारे राम अवतार केवट जी भेड़ी निवासी, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं। और हमारे मोहन कहार भेड़ी निवासी, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं। और भोजराज लोहार जो हमारे भेड़ी के ही निवासी हैं, आपके द्वारा भी 50 पत्र मुद्राओं का ये प्रेम प्रसून मंच पर मंचासीन दोनों विभूतियों के लिए प्रदान किया गया है। मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। चलिए, तो अधिकार की बात है, माता पर पिता का अधिकार है, पिताजी ने आज्ञा दे दी, मैंने वध कर दिया, अधिकार क्षेत्र का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन यहां गुरुजी का इस धनुष पर कोई अधिकार नहीं था, आज्ञा दे दी गई धनुष को तोड़ दो, जो तोड़ दिया गया। यह बात भी विचारणीय है। बड़ी सुंदर वार्ता महाराज, मेरा तो रोम रोम प्रसन्न हो जाता है आपके उत्तर को सुन करके। आप कहते हैं अब इन्होंने चलो ये बता दिया कि वो हम ही हैं। एक शब्द तुम्हारा छूट रहा है इसमें, जो तुमने कहा था कि ये धनुष दिव्य है। मैंने कहा ये धनुष दिव्य है और मैंने कहा दिव्य नष्ट भी होता है। तो लक्ष्मण ने कहा था कि परशुराम जी आप एक बात मान लीजिए। मैंने कहा क्या? लक्ष्मण ने कहा ये मान लो कि धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है। ध्यान देना, मैं मान लूंगा कि धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है, हम मान लेंगे कि धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है। लेकिन अंतर हो रहा है, अंतर ये हो रहा है कि जो दिव्यतम होता है वो सारे संसार का स्वामी होता है। सारे संसार का जो दिव्यतम होता है वो सारे संसार का स्वामी होता है। और अगर धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है तो तुम्हारे भैया ने कहा था नाथ सम्मु धनु भंजनी हारा, हुई है कौ एक दास तुम्हारा। तोड़ने वाला अगर दिव्यतम है तो जो दिव्यतम होता है वो सारे संसार का स्वामी होता है। ये कैसा दिव्यतम है जो मेरे चरणों का दास? अच्छा, हमारे भैया की बात आप मानते हो? नहीं नहीं, केवल इतना बताओ, हमारे भैया ने जो आपसे कहा तो क्या आपने उसे माना? हमने नहीं माना। नहीं माना, लेकिन तो मान, शांत रहो। मान तो तुम भी नहीं रहे हो। जब कौनों की मान नहीं रहे हो। नहीं, कौनों तो ऐसा नहीं, नहीं। अब हम आपको मार्ग बता रहे हैं। अब तुम्हारे पिताजी ना आप हमारे भैया की मान रहे हो ना हमारी मान रहे हो, तब उसके लिए एक ही मार्ग है। जब कोई व्यक्ति किसी की बात ना माने तो फिर उसे जानने के लिए स्वयं चलना पड़ता है। दिव्यतम वो है जो सारे संसार का स्वामी है, लेकिन जो सारे संसार का स्वामी है उसको जानने के लिए पहले आपको भी प्रयास करना होगा।
और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसकी कृपा नहीं होगी, और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जानकारी नहीं होगी, और जानकारी के बिना सब शून्य है, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो महाराज जानकारी की आवश्यकता है, और जानने के लिए जो सरल उपाय है वो है बढ़िया राम जी का भजन करो, राम जी का कीर्तन करो तो जान जाओगे, और ना कर पाओ तो लक्ष्मण का करो तुम जनवा देंगे। तो महाराज उसके लिए आपको कुछ करना होगा। आइए महाराज एक बड़ा ही विषय महत्वपूर्ण आया, बोले वो हम ही हैं पुत्र जो अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए हमने अपनी मां का वध कर दिया। चलो हमें स्मरण आ गया वो आप ही हैं, लेकिन आपने इसमें तर्क क्या दिया है कि पिता का अधिकार माता पर होता है, लेकिन कितना होता है? पिता का अधिकार माता पर होता है, तो माता से यदि त्रुटि हो जाए, माता से यदि कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो दंड देने का अधिकार पिता का है, दंड देने का अधिकार पुत्र का नहीं है। पुत्र अपने माता को कभी दंड नहीं दे सकता है, लेकिन आप पुत्र होकर के अपनी माता को दंड दे रहे हैं, तो इसके बीच में सूत्र लगा है। सूत्र क्या लगा है कि आपने पिता के आदेश पर विचार ना करते हुए अपनी माता का शीश काट दिया। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं उपाध्यायां दस आचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तो पित्रम माता गौर विलंत्रिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ होते हैं आचार्य, आचार्यों से 100 गुना श्रेष्ठ होते हैं पूज्य पिता, और पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ होती है माता, पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ है माता। लेकिन जब पिता का आदेश हो जाए तो फिर आदेश पर विचार नहीं करना है। तो आपने आदेश का पालन करने के लिए अपनी माँ का वध कर दिया, कोई बात नहीं, और अगर उसने गुरु के आदेश का पालन कर दिया, धनुष तोड़ दिया, तो धरती पलटे का घूम ही रहे हो। बात ये समझ में नहीं आ रही, इसे समझाना है। और मान लीजिए आप अधिकार की बात करते हैं, तो महाराज जो गुरु शब्द है तो गुरु का भी अधिकार संसार में होता है, संसार में कोई भी हो, लेकिन जो गुरु का परम कर्तव्य है वो क्या है? निशे का दिन कर्माणि या करोत यथा विधि संभाव यति चानेन सा विप्रो गुरु रुच्यते। इसमें एक भैया ने अपनी शंका व्यक्त की है। अच्छा पढ़ लेते हो? हाँ नहीं पढ़े लिखे तो हम हैं, इनको भैया खिलाए पिलाए रहे, इसलिए शंका है ये इनकी और तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। चलो तुम्हारे लिए है, वो आपको दिया ये बहुत उचित किया। पसीना भी आ रहा है खुद शंका का नाम सुन के पसीना आ रहा है लक्ष्मण को। शंका इसमें ये है कि लक्ष्मण जी का आयुध निर्माण में क्या सहयोग था? अधिकार क्षेत्र के वर्णन में समाधान करें, ये किसी भक्त की शंका है, और उस भक्त ने ये शंका ज्ञापित की है कि लक्ष्मण जी का आयुध निर्माण में क्या सहयोग था। अधिकार क्षेत्र के वर्णन में समाधान करें। अवश्य करेंगे। आयुध निर्माण, किसी भी आयुध का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे आयुध हैं कितने? दृष्टि, गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असि, खड़ग, चंद्रहास, फरसा, मुसल, परसु, कुंटा, पट्टिस, वसी, तलवार और बर्छी, ये सब आयुध हैं। और इन आयुधों का निर्माण कौन करता है? निर्माण करने वाले हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के द्वारा ही आयुधों का निर्माण होता है। लेकिन इसमें सहयोग, तो सहयोग केवल योद्धा के द्वारा तब होता है जब आयुध का निर्माण हो चुका होता है, तब उसमें योद्धा का सहयोग होता है कि उन आयुधों का उचित प्रयोग करके
अपने शत्रु का संहार करे, ये प्रयोग है। अब आयुध का निर्माण, तो धनुर्वेद में एक वाक्य है, निर्मुक्त आयुध की अबाधित प्रतिंचा को जब प्रतिबाधित किया जाता है तब एक आयुध का निर्माण होता है। हमें लगता है प्रश्न पूछने वाले ने मानस पीयूष पढ़ करके प्रश्न तो नहीं पूछा है। किसने पूछा है, कौन है वो, कहां है, कहां है, कहां? डॉक्टर साहब कृपया, अगर ना हो तो इनको उनके घर ले आप बैठे हैं। दरअसल क्या है कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न किस आयुध के लिए है, ऐसा थोड़ा और स्पष्ट कर दें जी। अजगो में नहीं, आपका जो प्रश्न है वो हमारे चरित्र के अनुकूल नहीं, लेकिन मैं उत्तर कर रहा हूं, इसका उत्तर पीयूष में लगता आपने पढ़ी है इसलिए आप ऐसा पूछ रहे हैं। इस आयुध के निर्माण में शेष का सहयोग है, ये हम नहीं जानते हैं ना, हमें काहे बता रहे हो आप, ये आप जानो। अभी ये रहस्य अगर आप खोल देंगे तो ये यही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो चरित्र कह रहा है वो ये कह रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, इसको लक्ष्मण न सुने, समाज सुन ले केवल। वहां ये वर्णन आया है, इस आयुध का जब निर्माण हो रहा था और विश्वकर्मा जी इसे जोड़ रहे थे तो ये जुड़ नहीं रहा था, ध्यान देना, जुड़ नहीं रहा था, तो जोड़ने के लिए शेष को आहूत किया गया, आहूत माने बुलाया गया। जब शेष भगवान को बुलाया गया तो शेष आए और उन्होंने अपनी फुफकार से, क्योंकि शेष की फुफकार में निकलती है अग्नि, अग्नि जोड़ती भी है और तोड़ती भी है, अग्नि के द्वारा दोनों काम होते हैं, अग्नि जोड़ती भी है। आप किसी लौह अस्त्र को देखें तो लौह अस्त्र यदि बीच से टूट जाए तो उसको जोड़ने का काम करती है अग्नि, तो अग्नि निकलती है शेष के मुख से। तो जब विश्वकर्मा जी ने कहा कि इसके मुष्टिका को, जो बीच का भाग है जहां पर नाक स्थित थी, उसका मूठ, उसको जोड़ा जाए, तो शेष जी बार बार उस पर फुफकार मारते थे, लेकिन उनकी फुफकार से निकलने वाली अग्नि का प्रभाव इतना तेज था कि वो धनुष बार बार टूट जाता था। लेकिन जैसे ही विश्वकर्मा जी ने धनुष को अपने हाथों में उठाया और शेष जी ने एक फुफकार लगाई तो वो धनुष अग्नि के माध्यम से जुड़ गया। वहां टूटने की भी बात है और जुड़ने की भी बात है, और मुझे लगता है कि आपने उस ग्रंथ का अध्ययन किया है इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा है। तो आयुध निर्माण की तो बात वहां नहीं आई है विशिष्ट रूप से, लेकिन ये बात जरूर आई है कि बहु धनुही तोरी लरिकाई का जो संकेत है वो इस रूप में है, आयुध निर्माण के रूप में, कि शेष की फुंकार से जो अग्नि निकलती थी उस अग्नि के माध्यम से इस धनुष को जोड़ा गया है। ये सहयोग शेष का इस आयुध के प्रति रहा है, ऐसा प्रसंग वहां ग्रंथ में मिलता है। लेकिन इस प्रसंग को परशुराम अपने पक्ष से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस पक्ष को अगर हम रखेंगे तो इनका स्वरूप भी प्रमाणित होगा और इनका जो स्वरूप वास्तविक है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संवाद का धरातल है। चलो, जो गलती आज आपने की वो दोबारा ना करना। हेलो, और इसी शंका के समाधान में वही हमारे डॉक्टर भवानी शंकर विश्वकर्मा जी के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी को और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे परशुराम जी को समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बड़ा ही सुंदर प्रश्न था और उतने ही सुंदर प्रश्न का उत्तर भी उतना ही सुंदर था, और ये तो विज्ञ समाज है, पूर्ण नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। रहस्य का उद्घाटन यदि कर दिया जाए तो फिर वो रहस्य रहस्य नहीं रहता है। तो निर्माण क्षेत्र में विश्वकर्मा का विशेष सहयोग रहता है, आयुधों का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा ही किया जाता है। आइए महाराज, अब इसी आयुध पर ही चर्चा हो रही है और यही वो आयुध है। महाराज, बड़ी विशेष चर्चा ये है कि जो आज ये आयुध टूटा है या
संसार में जितने भी आयुध टूटे हैं आज के पहले, हमारी दृष्टि में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जितने भी आयुध नष्ट हो चुके हैं वो हमारी दृष्टि में सभी बराबर हैं, समदृष्टि। दो शब्द हैं, एक शब्द है समदर्शन और एक शब्द है समवर्तन। व्यक्ति देखने में बराबर है लेकिन कार्य यदि उसका बराबर नहीं है तो ये समवर्तन के अंतर्गत नहीं है, समदर्शन के अंतर्गत है। तो समदृष्टि के अंतर्गत हमारा उत्तर ये है कि संसार में आज जो टूटा है, आज से पूर्व जो टूटे हैं वो सभी बराबर हैं। मुनि हमरे जाना सुनहु।